फ्रॉम रादनी। क्या डिजाइनेशन है मैम आपकी? मैम एज अ डिजाइनर। कितने टाइम से काम कर रहे हैं मैम आप? 6 इयर्स हो गए मेरे को। सो यू आर क्वाइट सीनियर इनफ मैम। यस। एंड सो आई विल गेस मैम कुछ जूनियर्स भी आपके पास काम करते होंगे। हाँ जी करते हैं। सो मैम मेरा क्वेश्चन है, जो नए स्टूडेंट्स आते हैं फैशन स्कूल से, क्या वो एम्प्लॉयबल इनफ होते हैं? मतलब उनको डायरेक्टली एम्प्लॉय करा जा सकता है या आपको उन पे काम करना पड़ता है? ट्रेनिंग, मतलब जब वो कॉलेज से आते हैं तो पहले तो उनको ट्रेनिंग्स दी जाती है। ट्रेनिंग्स में देखते हैं कि कौन कैपेबल है, तो उनको फिर एज अ एम्प्लॉयज हम ज्वाइन करा लेते हैं। तो जनरली क्या लैक करते हैं मैम जनरली स्टूडेंट्स जब फैशन स्कूल से आते हैं, कुछ ऐसा पर्टिकुलर चीज़ है जो लैक करते हैं? ऐसा अब कॉलेज से एक्सपोर्ट हाउस तो डिफरेंट है। कॉलेज में पूरा प्रॉपर स्टडी कराते हैं, बट हम जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे चीज़ें जस्ट डिफरेंट होती है। मुझे लगता था पहले, मैं भी जब कॉलेज में थी तो मुझे लगता था कि फैशन शो होता है, ये होता है, वो होता है, बट एक्सपोर्ट हाउस जो है वो हम बायर्स के लिए काम करते हैं, तो सोर्सिंग, डेवलपमेंट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसी के फैब्रिक फील कितना बड़ा पॉइंट, एक फैब्रिक को पहचानना कितना बड़ा चीज है? बहुत बड़ा पॉइंट है। फैब्रिक्स की नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है कि बायर्स पे डिपेंड करता है कि कौन से ब्रांड्स को कौन से फैब्रिक्स। कुछ बायर्स होते हैं जिन्हें बेसिक्स फैब्रिक चाहिए होते हैं, कुछ होते हैं जिनको पर्टिकुलर स्लब्ड, टेक्सचर्ड, डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक्स चाहिए होते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो फैब्रिक्स की नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है, एक पार्ट है हमारे डिजाइनिंग का। सो वो होनी चाहिए। आपने कैसे गेन करी? मैंने कैसे गेन करी, मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स थे, तो हर ब्रांड्स के लिए अलग अलग जो मैंने काम किया तो मेरे को नॉलेज वैसे वैसे बढ़ती गई। कि जैसे कोई बायर्स थे एंथ्रोपोलॉजी, उनके डिफरेंट टेक्सचर्ड फैब्रिक होते हैं, तो उस पर मैंने जब काम किया तो मेरे को एक नए नए फैब्रिक्स देखने को मिले, कुछ यार्न डाइड या स्ट्राइप्स हो गए, तो बहुत सारी चीज़ें वो हमें उनके साथ ब्रांड के साथ काम करते करते सीखने को मिलते हैं। तो अभी कौन से फैब्रिक्स देख रहे हैं मैम? अभी मैं देख रही हूँ क्रस्ड फैब्रिक्स, जो कि मुझे कुछ ल्यूरिक्स के साथ चाहिए, कुछ स्लब के साथ चाहिए, तो वो टेक्सचर्ड में क्रस्ट ढूंढ रही हूँ। यहाँ पे मैं पूरी नेहरू प्लेस आई थिंक 1 वीक से ढूंढ रही हूँ, मेरे को कुछ मिल नहीं रहा है, तो बस उस पे। कौन से सीजन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? अभी ये स्प्रिंग समर 24। स्प्रिंग समर 24। थैंक यू मैम। थैंक यू।